इल्जाम, आंखें और सोलह और सबनम, इन तीन फिल्मों ने गोविंदा कैरियर को काफी हद तक हाइट पर पहुंचाया था और इसके लिए गोविंदा को प्रहलाद नीलानी का शुक्रगुजार होना चाहिए, बिकॉज इन तीनों फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रहलाद नीलानी थे, जो कि इंडिया के सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। हाल फिलहाल इनका एक इंटरव्यू आया है जहां पर इन्होंने गोविंदा के साथ अपने बनते बिगड़ते रिश्तों पर काफी खुलकर बात की है। ये भी कहा गोविंदा को लेकर काफी सारी फिल्में बनाने वाले थे, लेकिन गोविंदा के घमंड ने सारा करियर चौपट करा दिया। अगर आज गोविंदा घर पर खाली बैठे हैं तो उनकी गलती की वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने उनके साथ तीन फिल्में की, बाद में बहुत लंबा गैप किया। इसके लिए वो डेविड धवन को कसूरवार ठहराते हैं। वो कहते हैं डेविड धवन ने गोविंदा उनके बीच में काफी हद तक गलतफहमी पैदा की थी और एक तरह से कोशिश की थी दोनों की दुश्मनी हो जाए, इसी वजह से उन्होंने साथ में काम नहीं किया। प्रहलाद अनिल कपूर के साथ आगे काम करने लग गए, गोविंदा डेविड धवन के जोड़ीदार बन गए। इस तरह प्रहलाद नीलानी और गोविंदा की जोड़ी टूट गई और आंखें, इल्जाम, सोलर सबनम वाला मैजिक दोबारा रिक्रिएट नहीं हो पाया। हालांकि बहुत सालों बाद दोनों ने एक मूवी में काम किया, नाम था रंगीला राजा। ये मूवी ऑलरेडी इंटरेस्टिंग होने वाली थी बिकॉज साउथ में रजनीकांत की सुपरहिट मूवी का हिंदी अडॉप्शन थी। प्रहलाद नीलानी को उस मूवी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन गोविंदा ने एक नौटंकी कर दी जिस नौटंकी के चलते मूवी को फ्लॉप होना पड़ा। एक्चुअली गोविंदा ने इस मूवी से रिलीज से पहले जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जहां पर सलमान खान शाहरुख का नाम लेते हुए कहा, ये लोग मेरी फिल्में रिलीज होने नहीं देते, यानी इन दोनों एक्टर ने साजिश रखी मेरी फिल्मों को होल्ड करने की, इसी वजह से मेरी फिल्में फ्लॉप होती हैं। ये बात सलमान खान को शाहरुख खान को बहुत नागवार गुजरी और कहते हैं सलमान शाहरुख ने इनडायरेक्टली पूरे थिएटर बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर को एग्जीब्यूटर को धमकी दी कि गोविंदा की पिक्चर थिएटर में प्रॉपर लग ना पाए। बाद में जो हसर हुआ रंगीला राजा का हर कोई जानता है। रंगीला राजा को बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स मिली, मूवी हिट होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। इस बात का खुलासा खुद प्रहलाद ने किया और कहते हैं गोविंदा अगर प्रॉपर डिसेंट मैन की तरह मूवी प्रमोट करते तभी मूवी चल सकती थी। इसके अलावा गोविंदा के साथ एक मूवी और करने वाले थे, नाम था अवतार। वहां भी गोविंदा की अकड़न, टाइटल पसंद आने को लेकर उनकी झिझक, बहुत सारे रीजन ऐसे थे जो मूवी को होल्ड कर गए और गोविंदा धीरे धीरे उनकी फिल्मों की लिस्ट से बाहर हो गए। आज प्रहलाद नीलानी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, ना ही प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी चर्चाओं में रहते हैं और चर्चाओं में रहते रहते गोविंदा की पोल खोल रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग गोविंदा बहुत अच्छे स्टार बन सकते थे, उनमें टैलेंट भी कूट कूट कर भरा है, लेकिन वो बहुत अंधविश्वासी हैं, दूसरे एक्टर से कॉम्प्लेक्स खाते हैं और सलमान शाहरुख के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। और बॉलीवुड में सलमान शाहरुख खान के डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में गहरी पैठ है, वो जिस एक्टर की चाहे फिल्में हिट करा सकते हैं, जिसकी चाहे फ्लॉप करा सकते हैं। गोविंदा ने बहुत बुरे दुश्मन चूज किए जिसका नुकसान गोविंदा को हुआ, आज गोविंदा घर पर बैठे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।